के लिए मैंने यहाँ पर एक गिलास लिया है और इस गिलास के अकॉर्डिंग सारा मेजरमेंट देखेंगे। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ दूध एक गिलास, फिक्स एक गिलास लेना है। आप डेयरी वाला पॉलीथीन वाला कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन जो फायदा करता है वो ज्यादा पॉलीथीन वाला नहीं करता है क्योंकि उसमें सारे दूध मिक्स आते हैं। और ये दूध अपन डालेंगे एक पतीले में। मैंने यहाँ पर ये देखिए दो चीजें ली है, एक तो अदरक ली है और एक हल्दी ली है। आपके पास हल्दी हो तो आप हल्दी भी ले सकते हो, अदरक हो तो अदरक भी ले सकते हो। दोनों में अंतर होता है, हल्दी दिखने में एक जैसी ही होती है लेकिन अंतर होता है। ये हल्दी कलर की आती है, कच्ची हल्दी ऐसे गाढ़ सी आती है। और ये हल्दी इसमें डालेंगे और थोड़ी सी अदरक इसमें क्रश करके डालेंगे इस दूध में। ये दोनों अपन एक साथ ही ऐड करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा फायदा करेगी अगर अपन अदरक हल्दी मिक्स करेंगे। नीचे से मैंने गैस ऑन कर दिया है और दूध को गर्म करेंगे। आप चाहो काली मिर्च लौंग उसका पाउडर बना के भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो तो पूरा हेल्थी होगा। जैसे सर्दी जुकाम हो तो आप ऐसा दूध बनाकर पी सकते हो। इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच शक्कर। अभी ये शक्कर का जो मेजरमेंट है वो एक गिलास के अकॉर्डिंग अपन एक टेबल स्पून लेंगे यहाँ पर शक्कर। लेकिन हेल्थ के लिए बना रहे हो तो आप फीका भी पी सकते हो, लेकिन बच्चे क्या है कि फीका दूध पीते नहीं है तो आप इसमें शक्कर ऐड कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी में ही शक्कर क्यों ऐड की है क्योंकि मुझे खुद को मीठा दूध इतना पसंद नहीं है, तो इसी दूध को मैं पीऊंगी तो मैं यहाँ पर केवल हाफ चम्मच ही शक्कर ऐड करूंगी, थोड़ा सा मीठा लगे बस इतना ही। और ये देखिए बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। आप शक्कर की जगह शुगर पाउडर भी ले सकते हो, गुड़ भी ऐड कर सकते हो आप, लेकिन बॉईल हो जाने के बाद आपको ऐड करना है। शक्कर से ज्यादा बेनिफिट करेगा अगर आप इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड कर देंगे तो। और ये देखिए अपना दूध बॉईल हो चुका है, एक दो बार इसे बॉईल करेंगे और एक दो बार बॉईल होने के बाद इससे गैस को अपन बंद कर देंगे नीचे से और इस दूध को छान लेंगे अपन। हल्दी का दूध पीने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जोड़ों का दर्द हो, सर्दियों में खांसी जुकाम हो हल्की फुल्की, तो आप ये दूध पी सकते हो तो सर्दी जुकाम जल्दी से लगती नहीं है। और सोते टाइम अगर आप ये दूध पीते हैं तो अच्छी नींद आती है। खाना खाने के एक दो घंटे बाद ये दूध पीना चाहिए। सुबह खाली पेट भी पी सकते हो, जोड़ों का दर्द हो वो खत्म करता है, इम्यूनिटी सिस्टम पावर को बढ़ाता है और ये जो गठिया में गठिया रोग होता है उसमें तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। और शरीर में जो भी विषैले तत्व होते हैं उनको बाहर निकालता है, तो बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट है। आप सप्ताह में सर्दियों में सप्ताह में आप डेली पी सकते हैं, गर्मियों में आप सप्ताह में एक दो बार बना के जरूर पीजिएगा। मैंने जो आपको तरीका बताया है अगर आप ऐसे बच्चों को भी बना के दोगे तो उन्हें भी पसंद आएगा ये हल्दी फ्लेवर वाला दूध है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद माय ऑल लवली फ्रेंड्स।